तो दोस्त, तो आज सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी अपडेट में बात करेंगे। नई शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट आ रही है, परीक्षा को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, नई भर्ती को लेकर के अपडेट है, जरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की योजना नई। संदीप जी, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने को लेकर सपा ने रखा कार्य स्थगन प्रस्ताव। उसके बाद देखिए, चुनाव के बाद ही भर्तियों की तैयारी है, एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर रखेंगे। फिलहाल सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, देख लीजिएगा, 2 अप्रैल के बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसको जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, डीएलएड में स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा रहे हैं सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए, 20 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक। ठीक है, हर एक डेट को जरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में आप कहेंगे सर जी हमसे मिस हो गया। ठीक है, किसी भी बच्चे से कोई फॉर्म मिस नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगली खबर में हम बात करेंगे आप लोग का जो रिजल्ट है, देखिए बहुत से बच्चे इसमें फेल हुए हैं किसी भी गलत तरीके से। ठीक है, ईओयू ने बीपीएससी से पूछा किन किन लोगों ने को मतलब थी प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी। ठीक है, देखिए बिहार में शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ है, ठीक है, जो पेपर 15 मार्च को होने वाला था वो पेपर रद्द भी हुआ है, तो इसकी भी पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बीपीएससी TRE 3 परीक्षा को लेकर फैसला नहीं हुआ है, चुनाव आयोग की अनुमति के बाद ही होगी बीपीएससी TRE 3 की परीक्षा, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट खबर है। अब देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग की अनुमति कब तक होती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लाखों बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं इस पेपर के होने का। ठीक है, तो मोबाइल में अगर अभी तक आपने रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया डीएलएड का, तो उसको कर लीजिएगा। एक बात और, जिन भी बच्चों ने सीटेट का एग्जाम दिया होगा जनवरी वाला, तो सीटेट का दोस्तों जो सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर पर आ चुका है। देखिए यही फायदा होता है सीटेट में, यूपी टेट का पेपर आप लोग देते हैं तो दोस्तों उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो आप जाते लेने डायट कॉलेज में। ठीक है, तो एक लंबा प्रोसेस है, बहुत से बच्चे नहीं जा पाते, नहीं मिल पाता, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। तो एक एक करके देखिए, जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स उसको देखेंगे। फिलहाल परीक्षा डेट शीट को लेकर के अपडेट रहने वाली है। देखिए, अब आप में से सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारा प्रथम सेमेस्टर पेपर कब से शुरू होगा। अब देखिए, डीएलएड 2023 बैच, ठीक है, अब इसमें एक तो डीएलएड 2023 बैच के फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, और उसके साथ ही साथ 2022 बैच हो गया, 2021 बैच के जिन भी बच्चों की मतलब बैक लगी, ठीक है, बैक पेपर छात्र भी तो हैं। तो अब देखिए, पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है, अब आप लोग तैयारी पूरी रखिएगा, ज्यादा समय अब आपको नहीं लगेगा पेपर होने में। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करते समय जरा ध्यान रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक गणित और एक संस्कृत। विज्ञान में दोस्तों कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, विज्ञान में पहले बहुत ही कम बच्चे फेल होते थे, वही होता है ना, ट्रेंड बदलता रहता है, लेकिन गणित पर फोकस होना चाहिए, इसमें तो बैक सबसे ज्यादा हमेशा देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो जरा इस अपडेट को देखते हैं, पहले शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है। देखिए, अगर वैकेंसी अभी नहीं आती तो फायदा किनको होगा, स्पेशली डीएलएड 2022 बैच के छात्रों को और 2023 बैच, वैकेंसी हर साल नहीं आती आप जानते हैं, अगर वैकेंसी थोड़ा लेट से आएगी तो इन बच्चों का भी डीएलएड का कोर्स कंप्लीट होगा, ये बच्चे भी भर्ती में सम्मिलित होंगे। अपडेट क्या है, यूपी सरकार ने मंगलवार को कहा कि वर्तमान में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों पढ़ाई में सहयोग कर रहे हैं, विभाग में अंशकालिक अनुदेशक शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापकों को मिलाकर कुल 6,28,915 शिक्षक तैनात है, प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक का अनुपात पूरा है और पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की नई नियुक्ति की भर्ती प्रक्रिया निकालने की अभी कोई योजना नहीं है। ठीक है, विधानसभा में प्रश्नकाल हुआ, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के मामले में कोर्ट के अनुसार ही निर्णय लेगी सरकार, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण से जुड़ा मामला कोर्ट में लंबित चल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उन सभी छात्रों के लिए जो बच्चे बेसब्री से शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आए, कब आपको शिक्षक भर्ती में मौका मिले। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो देखिए तो आपको बता दें, अगर आपका टीचर बनने का सपना है तो पहला स्टेप आपका डीएलएड ही कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, बहुत से बच्चे किसी न किसी सेमेस्टर में गलती से फेल हो जाते हैं, बैक लग जाती है, कभी प्रैक्टिकल के नंबर आपके अपलोड नहीं हो पाते, कोई ना कोई आपसे गलती होती है, फिर आप परेशानी में फंसते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप दोस्तों आपका डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए, सेकेंड में आपका आता है सीटेट या टेट। अब देखिए दोस्तों, यूपी टेट का पेपर 2 साल तक होने रहा है, तो हम तो ये कहेंगे अगर सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहा है फिलहाल, तो आप इसी को क्लियर कर लीजिए ना, सीटेट का पेपर देने में आपको बता दे कोई दिक्कत नहीं होती, जब आप सीटेट का पेपर देने जाएंगे सिंपल से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, सीटेट का बस, और उसके बाद एक आईडी प्रूफ रख लीजिए। लेकिन जब आप यूपी टेट का पेपर देने जाते हैं तो भैया वहां पर आप यूपी टेट का एडमिट कार्ड रखेंगे, आईडी प्रूफ रखेंगे उसके साथ,
डीएलएड का सेकंड सेमेस्टर थर्ड ईयर जो भी मतलब एक कंडीशन वहां रख दी जाती है भैया, आपको उसका रिजल्ट भी लेकर जाना पड़ता है। तो बेहतर है ना, जहां आपको मौका मिल रहा सीटेट के एग्जाम 7 तारीख को है, क्लियर कर दिया गया 7 जुलाई को आपका पेपर होगा, आपको जिस भी जिले में सेंटर डालना डाल दीजिए, टिकट पहले से बुक कर लीजिए, सारा सिस्टम आप पहले से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चुनाव के बाद भर्तियों की तैयारी है। अफसरों की पहली बैठक, पदों के विवरण तैयार करने संग अन्य जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश देख सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में आचार संहिता खत्म होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। आयोग के गठन के बाद अफसरों की बृहस्पतिवार को पहली बैठक में पदों के विवरण तैयार करने के साथ अन्य प्रक्रिया पर चर्चा हुई। बैठक में 4 सदस्य भी मौजूद रहे, कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल और 12 सदस्यों की जल्द बैठक होने की बात कही जा रही है। उसमें आयोग की ओर से निर्णय लिए जाएंगे। इससे पहले विशेष सचिव उच्च शिक्षा ठीक है गिरिजेश त्यागी ने बैठक कर आयोग की कार्य पद्धति व भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर चर्चा की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी वैकेंसी आती है उसमें आपको मौका मिलेगा। ठीक है, फिलहाल प्राथमिक भर्ती की तैयारी यूपी में नहीं, लेकिन आपको देखिए आपको बता दें एक अल्टरनेट ऑप्शन है ना हमारे पास, यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही, बिहार में आ रही है। अभी TRE 4.0 को नोटिफिकेशन आना बाकी है बिहार में, तो जो बच्चे डीएलएड 2021 बैच के जिनका कंप्लीट हो गया वो बच्चे वहां सम्मिलित हो पाएंगे। ठीक है, तो 3 वाला पेपर जो अभी कैंसिल हुआ वो पेपर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड का जब आपने रिजल्ट डाउनलोड किया होगा तो देखिए आपका फाइनल नंबर आपका सीटेट में लग रहा होगा, जो संपूर्ण परीक्षा फल है यहाँ पर आप इसको जोड़ेंगे टोटल आपके 3200 में से कितने बन रहे वो आप वहां पर लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये तृतीय सेमेस्टर परीक्षा डेट सीट आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए सोशल मीडिया की अफवाहों से आपको बचना है। देखिए दिक्कत क्या है ना, आजकल सबसे ज्यादा बच्चे सोशल मीडिया के अफवाह में फंसते हैं। अब बिहार में पेपर पता कहां से आउट हो जाता है, जहां से पेपर छप रहा है भैया वहीं से पेपर आउट करा देते ये माफिया लोग। शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के पेपर लीक मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने जांच आगे बढ़ाते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से कई सवालों के जवाब मांगे। बीपीएससी के माध्यम से मिलने वाले जवाब को अभियुक्तों से मिली सूचना में ठीक है क्रॉस चेक किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक ईओयू ने बीपीएससी से शिक्षक भर्ती परीक्षा के संचालन में शामिल पदाधिकारियों और बाहरी एजेंसियों के संबंध में जानकारी मांगी है। यह भी पूछा है कि प्रश्न पत्र कहाँ छपे और इसकी जानकारी किन किन लोगों के पास थी। मालूम हो कि ईओयू ने होली से पहले पेपर लीक मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों विशाल चौरसिया, अभिषेक विक्की और आदि से पूछताछ की थी। इसके बाद अन्य अभियुक्तों से भी पूछताछ की गई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन सभी ने कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने और पेन ड्राइव में प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी लेने आदि की जानकारी मिली थी। तो पूरा पेपर दोस्तों पेन ड्राइव में ठीक है कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, कुछ बच्चों को लगता है कि पेपर सर हमारा ऑनलाइन होगा तो पेपर आउट नहीं हो सकता। अब बताइए पेपर ऑनलाइन होगा तो वो भी तो पेन ड्राइव में उसको लाया जा सकता है ना। ठीक है, देखिए बात क्या होती है ना, कुछ पेपर बहुत बड़े स्तर पर लीक हो जाता है, आउट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा यूपी में कॉन्स्टेबल भर्ती थी, RO AR O ठीक है, तो उन पेपर को भी रद्द कर दिया गया, दोबारा पेपर कराया जाएगा। फिलहाल पेपर कब होगा, तैयार रहेंगे दोस्तों नेक्स्ट मंथ के लिए, अप्रैल के लिए। ठीक है, तो अप्रैल में पेपर होने के आसार रहेंगे और अगर आपकी तैयारी बेहतर है तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और देखिए उम्मीद रहेगी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड थर्ड और फोर्थ सबका पेपर दोस्तों कराया जाए तो बढ़िया रहेगा। बाकी क्या होगा ना, अभी कौन सा पेपर होना क्लियर है एकदम, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा ही होगा, थर्ड का पेपर होगा ही होगा। ठीक है, सेकेंड और फोर्थ में असमंजस रहेगा, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो अगले महीने पेपर के लिए तैयार रहना, सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया खत्म होने वाली है। यूपी में जो आपका स्कूटनी फॉर्म है वो देख लीजिएगा और बहुत ही जल्द डीएलएड 2024 बैच का एडमिशन का प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।